हाय गाइस, तो यहाँ पे हम सुबह सुबह निकल गए हैं एयरपोर्ट की ओर। एक्चुअली हमारी फ्लाइट जो थी ना वो 11:40 की थी अराउंड, तो हमने सोचा जल्दी निकलना बेटर रहेगा, इसलिए तुषार ने 7 बजे की कैब बुक कर दी और कैब टाइमली आ गई थी। और विंटर्स का टाइम है दिल्ली में, जैसे कि आप देख रहे हैं विजुअल्स में, सुबह सुबह सर्दी का टाइम, तो हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला और हम सिर्फ 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हमने अकासा एयरलाइंस की फ़्लाइट बुक करी है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू फ्लाई फ्रॉम अकासा, सो आई विल टेल यू द होल एक्सपीरियंस कि कैसी फ़्लाइट थी, कितने चार्जेस थे एंड एवरीथिंग, क्या फेयर था। और जिसने मेरा पुराना व्लॉग नहीं देखा तो उसे पता नहीं होगा हम कहाँ जा रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि हम गोवा जा रहे हैं, इसीलिए उसी की फ़्लाइट इतनी सुबह की बुक हुई थी। मॉर्निंग फ़्लाइट्स यूजुअली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसके लिए और जल्दी उठना पड़ता है गाइस, और वहाँ जाके अगर फ़्लाइट डिले हो जाए फिर तो बस हो गया काम। जैसे मैं बता रही हूँ कि हम 1 घंटे में पहुँच गए थे, हम 7 बजे घर से निकले और हम 8 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए थे और हमारी फ़्लाइट थी 11:40 की। मैं आगे आपको बताऊँगी हमारे साथ और क्या क्या हुआ, लेकिन अभी के लिए आप दिल्ली की सर्दी के नज़ारे इंजॉय कीजिए। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ठंड थी और गोवा में गर्मी, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ, तो मैंने एक मिडी पहनी थी विच वॉज लाइक स्ट्रैपी मिडी और उसके ऊपर मैंने डेनिम जैकेट डाल ली थी कि सुबह सुबह ठंड में यहाँ पे मैं डेनिम जैकेट में निकाल दूंगी और वहाँ जाके मैं जैकेट उतार दूंगी। सो इन दिस वे आई हैव कम्प्लीटेड माई यू नो एयरपोर्ट लुक। मैं अभी आगे जाके आपको व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ वो पहन के। और ये जो अकासा एयरलाइंस की मैं बात कर रही हूँ ना, इसकी टिकट हमने ली थी पर पर्सन 7,500 की अप्रॉक्स, और हम बातें करते करते देखिए बिल्कुल बस एयरपोर्ट के पास पहुँच गए हैं, और इनफैक्ट एयरपोर्ट पहुंच ही गए हैं। ये देखिए तो यहाँ हमने लगेज चेक इन करा दिया था और ये रहा मेरा एयरपोर्ट लुक। बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं आई नो, बट दिस इज व्हाट आई वोर फॉर माय एयरपोर्ट लुक, और यही मैंने पहना था। मैंने बताया कि ठंडी गर्मी के बीच में मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं क्या पहनूं, सो आई वोर दिस। उसके बाद हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, तो हम लोग गए ये देखिए वहाँ पे ना दिवाली के लिए, सॉरी टू कट इन बिटवीन, ये दिवाली के लिए बड़ी अच्छी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी वहाँ पे, लोग खड़े होके फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे। और ये अब हम आ गए हैं लाउंज में आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम पे बहुत सारा टाइम था और हम सारे यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। मैंने बोला सबको चलो सब बैठे हुए तो एक एक बार वेव ही कर दो मेरे व्लॉग में, तो सब वेव करके दिखा रहे थे। और ये देखिए हमारी छोटी सी मायशा जिसको मैंने बोला वेव कर दो एंड शी सेड हेलो, सो क्यूट। और ये मैडम जो आईपैड में बिजी थी और शर्मा गई जैसे मैंने इसको हेलो बोलने के लिए बोला। अब हम वहाँ से निकल गए हैं और अब हम जा रहे थे अपने गेट्स की तरफ, वहाँ पे भी जाके हमने बहुत देर तक बैठे रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आया, किसी ने हमें बताया नहीं कि गेट्स चेंज हो गए थे, फिर हम दूसरे गेट्स की तरफ गए, बच्चे भी थोड़े टायर्ड हो गए थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। बहुत ज़्यादा देर वेट करने के बाद हमारे गेट्स खुलने की बारी आई और उसमें भी हम इतनी देर तक लाइन में खड़े हुए थे क्योंकि दे वर राइटिंग मैनुअली ऑन बोर्डिंग पास, कोई मैनेजमेंट नहीं थी, बहुत ही क्योस हुआ था। आई मस्ट से बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा अकासा एयरलाइंस का। अंदर बैठ के भी हम काफी देर विदाउट एसी बैठे हुए थे क्योंकि उन्होंने एसी ऑन नहीं किए थे और पीपल वर लिटरली फाइटिंग, क्योंकि लास्ट मिनट उन्होंने फ्री टिकट्स कर दी थी कि आप कहीं पे भी बैठिए, कोई टिकट नंबर नहीं लिखा हुआ था किसी के ऊपर, और इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे लोगों को बिठाएं। At the time of boarding, they have given free seats. Now they are finding the seats कि किसको कहाँ पे बिठाए। Very chaotic.
होपलेस है। इलेवन फोर्टी फाइव के हमारे फ्लाइंग टाइमिंग्स थे और हमारी फ़्लाइट चली 2 बजे गाइस, और हम इस वजह से पूरा ऐसे हमारा शेड्यूल ख़राब हो गया क्योंकि हम लेट पहुँचे वहाँ से एयरपोर्ट से, एयरबीएनबी लेट पहुँचे और उस दिन हम कहीं नहीं जा पाए। नेक्स्ट डे से हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया एंड एनीवेज गाइस वी आर इन गोवा। तो मैं बस गोवा आके बोट्स वगैरह देख के, एयरपोर्ट देख के सब भूल गई। और वहाँ पे ना एक नया एयरपोर्ट भी खुल गया, हम आते टाइम उस एयरपोर्ट से आए थे और ये देखिए एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही इतनी अच्छी होर्डिंग लगी, इसीलिए मैंने इसका क्लिप ले लिया, फील गोवा। और सच में मैं गोवा को फील करे, ये पाम ट्रीज देखे, सब कुछ देखा और मैं सब अपना एयरपोर्ट का केओस भूल गई एंड आई गेट इन टू द वाइब ऑफ गोवा। तो देखिए अब हम पहुंच गए हैं अपने एयरबीएनबी, यस दिस इज़ द अपार्टमेंट वी हैव बुक्ड फॉर आवर ट्रिप। मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स दूंगी कि हमने कहाँ से बुक करवाया, कितने में बुक कराया और कैसा अपार्टमेंट था। अपार्टमेंट वॉज वेरी नाइस और लोकेलिटी भी अच्छी थी और पूरी सिक्योरिटी थी, सेफ्टी थी एंड इट वॉज टोटली अमेजिंग आई वुड से। हमने ना पेंट हाउस बुक करवाया था, 3 rooms का पेंट हाउस बिकॉज हम 3 families थी। द अपार्टमेंट नेम इज़ एल राइनो अपार्टमेंट, 3 BHK पेंट हाउस अपार्टमेंट था ये, तालुका बारदेस गोवा में, दिस इज नॉर्थ गोवा गाइज। और ये हमने बुक करवाया था 40,000 फॉर 3 nights और ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा था और क्लीनिंग भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब इट वॉज ऑल नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे रोज़ आपके यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए आते, जैसे घर में हाउस हेल्प आती है ऐसे ही यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स थे, उस टाइमिंग्स पे वो हाउस हेल्प आ रही थी। अपार्टमेंट में एंटर होते ही हॉल और किचन था और नीचे और ऊपर रूम्स थे। ये मैं आपको नीचे के रूम्स दिखा रही हूँ, नीचे 2 rooms थे और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के एक मास्टर बेडरूम था जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए पहला रूम जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक रूम था, काफ़ी डिसेंट रूम बना हुआ था। यहाँ पर आपको बेडशीट्स वगैरह भी आप जब कह रहे थे तो वो चेंज कर रहे थे और टॉवल्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए थे और बेसिक टॉयलेटरीज भी अवेलेबल थी। एंड दिस वॉज द रूम, हर रूम के साथ एक अटैच्ड बालकनी थी। ये बालकनी की जगह है, मैं खोल के नहीं दिखा रही क्योंकि अभी रात हो रही थी। बस एक ये बात थी कि तीनों के साथ सेपरेट वॉशरूम जरूर था लेकिन इसका वॉशरूम बाहर था, रूम के अंदर नहीं था। दिस वॉज द सेकेंड रूम, इस रूम की भी वही सेम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था डेकोरेशन एंड ऑल, बाकी ऑलमोस्ट सेम था मोर और लेस। और इसके साथ बस अटैच्ड वॉशरूम और बालकनी थी, उसके साथ भी बालकनी तो अटैच थी लेकिन वॉशरूम अटैच नहीं था। ये 2 rooms नीचे थे और ऊपर जो रूम था वो मास्टर बेडरूम था जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। दिस वॉज ऑल्सो द वॉशरूम, ये वॉशरूम जो था वो सेकेंड बेडरूम के साथ का है। वॉशरूम्स वगैरह काफ़ी क्लीन और नाइस फ्रेग्रेंस वाले थे और काफ़ी अच्छे से वेल मेंटेन था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमको और क्लीनिंग भी रोज़ हो रही थी। एंड नाउ दिस इज़ द वे ऑफ गोइंग अपस्टेयर्स, जो मैं आपको कह रही हूँ एक मास्टर बेडरूम था तो वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। और इन्होंने ना जो भी स्टेयर्स के ऊपर की जगह थी या नीचे भी जो जगह थी वहाँ पे भी सिटिंग्स बना रखी थी कि आप अपनी फैमिली के साथ चिल कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, पूरा घर आपका है यार। और ये देखिए ये है ऊपर का बेडरूम जो मास्टर बेडरूम था, ये काफ़ी बड़ा था और इसके साथ भी एक अटैच्ड बालकनी थी एंड दिस वॉज द वॉशरूम ऑफ मास्टर बेडरूम। एंड ये अपार्टमेंट हमने बिंदिया ट्रैवल्स से बुक करवाया था, डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप भी बुक करवाना चाहें तो। वैसे तो यहाँ पे 3 bedrooms और एक हॉल था बट यहाँ पे ना एक्स्ट्रा मैट्रेसेस भी दिए हुए थे तो आप लोग उसको यूज़ करके और लोग भी सो सकते थे। 8 adults वर अलाउड, हम लोग 6 adults और 2 kids थे बट आप वो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं अगर बड़ी फैमिली हो तो। और ये मैं आपको ना हॉल से विंडो से व्यू दिखा रही हूँ और बालकनी दिखा रही हूँ। और ये ना ऊपर के बेडरूम से बाहर टेरेस का रास्ता था क्योंकि ये पेंट हाउस था, हमें टेरेस का भी ऑप्शन मिला था, टेरेस मतलब इसमें अवेलेबल था, तो एक नीचे छोटा सा टेरेस था और स्टेयर चढ़ के एक ऊपर भी टेरेस था।
और वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ था कि आप लोगों को हुक्का लेना हो या आपको पार्टी करनी हो ऐसे, तो आप ऐसे चिल्ड आउट जोन में अपने टेरेस पे भी पार्टी कर सकते हैं। इट वॉज अ गुड ऑप्शन और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पेंट हाउस। और देखिए मैं यहाँ से ना आपको दिखाती हूँ, ये इन्फिनिटी पूल यहाँ पे भी आप जा सकते थे, हमें टाइम नहीं मिला तो हम नहीं गए। और बाकी यहाँ पे सारा रेजिडेंशियल था, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो सिर्फ रेंटल था, लोग परमानेंटली भी वहाँ पे रह रहे थे। तो अगर आप गोवा जा रहे हैं और आपको ऐसी जगह, आपको अपनी फैमिली या फ्रेंड्स ज़्यादा हैं और ऐसे सब इकट्ठे होके जा रहे हैं, तो एक टेंट हाउस का ऑप्शन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा एंड आई हाईली रिकमेंड दिस। अगर आपको इस जगह पे अपार्टमेंट चाहिए अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, तो सो इट वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन एज पर मी। हाय गाइस, सो हम अभी पहुंचे अपने अपार्टमेंट एयरबीएनबी जो भी हमने बुक करवाया है गोवा में। इसमें 3 bedrooms है, मैं आपको सब कुछ दिखाया है मैंने आपको, मैं आपको डिटेल्स भी बता चुकी होंगी इस ब्लॉग में। हम बहुत टायर्ड हैं क्योंकि फ्लाइट भी बहुत डिले हो गई थी, तो वी हैव जस्ट रीच्ड। फ्लाइट बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी तो अब इट्स लाइक 7:40 जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो आज का दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया है। हम बस अब फ्रेश होके एक चीज़ और करेंगे, कसीनो जाएंगे एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर डे 1। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स इन गोवा एंड कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ लेट्स ट्रैवल विद काम्या। मेरी तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं कुछ भी और शूट नहीं कर पाई गाइज, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय।